हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में हम कवर करेंगे फाइलम कॉर्डेटा को, जो कि अगर हम इस लेक्चर की बात करते हैं तो ये लेक्चर जो है एनिमल किंगडम का लास्ट लेक्चर माना जाएगा। लास्ट लेक्चर होगा, माना क्या जाएगा, लास्ट लेक्चर ही होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फाइलम कॉर्डेटा को। फाइलम कॉर्डेटा की अगर हम बात करते हैं तो एनिमल्स बिलोंग टू फाइलम कॉर्डेटा आर फंडामेंटली कैरेक्टराइज बाई द प्रेजेंस ऑफ नोटोकार्ड, ए डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड एंड पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स। तो अगर हम बात करते हैं फाइलम कॉर्डेटा की, तो कॉर्डेटा जो होती है वो फंडामेंटली इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं जो कि इसको कॉर्डेटा बनाते हैं। तो कॉर्डेटा की जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं, कॉर्डेटा फाइलम के जो एनिमल्स बिलोंग करते हैं उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं, उसमें सबसे पहले नोटोकार्ड है, ये नोटोकार्ड पाया जाएगा। देन डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, ये दो, और तीसरा जो है पेयर फेरेंजियल गिल स्लिट। ये तीन जो स्ट्रक्चर है, ये तीनों स्ट्रक्चर्स जो होंगे वो कॉर्डेटा में पाए जाने चाहिए। यानी कि कोई एनिमल ऐसा है जिसके अंदर ये तीनों कैरेक्टर्स जो है ये पाए जा रहे हैं, तो उस एनिमल को हम कॉर्डेटा में प्लेस कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं, जैसे हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो कॉर्डेटा का जो कैरेक्टर है उसका स्ट्रक्चर में ये हुआ आपका नर्व कॉर्ड, ये यहां से लेकर के और यहां तक ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये पूरी की पूरी नर्व कॉर्ड है। देन ये नोटोकार्ड है, नर्व कॉर्ड के जस्ट नीचे नोटोकार्ड पाया जा रहा है और ये पोस्ट एनल पार्ट तक ये पाया जाएगा। यानी कि अगर हम बात करते हैं नर्व कॉर्ड और नोटोकार्ड की, तो ये पोस्ट एनल पार्ट तक ये पाया जाता है और इसके अंदर पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स जो होंगी ये पाई जानी चाहिए। यानी कि तीनों ये होना कंपलसरी है, तभी किसी भी ऑर्गन किसी भी एनिमल को हम कॉर्डेट बोल सकते हैं। देन आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं, जैसे कि हमने फिगर 4.16 को देखा, इसमें नर्व कॉर्ड, देन उसके बाद में नोटो कॉर्ड, दूसरा हमने बात किया, अब तीसरा हमने बात किया गिल स्लिट्स के बारे में। तो ये तीनों जो है ये स्ट्रक्चर जो है एनिमल में पाए जाएंगे ताकि हम उसको कॉर्डेट बोल सके। तो दीज आर बायोलिटरली सिमेट्रिकल। अब एनिमल की अगर हम बात कर रहे हैं तो एनिमल्स जो है वो बायलेटरली सिमेट्रिकल है, यानी कि किसी एक प्लेन से काटने पर वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, तो उसको बायलेटरली सिमेट्रिकल बोलेंगे। ट्रिप्लोब्लास्टिक कहने का मतलब ये है कि तीनों टाइप के जर्मिनल लेयर्स, यानी कि मेसोडर्म, एंडोडर्म, एक्टोडर्म, तीनों टाइप के जर्मिनल लेयर्स जो होंगी पाई जाएंगी। सीलोमेट्स की बात करें, यानी कि सीलोम इसमें पाया जाएगा विद ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें सबसे हाई लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, जिसको हम ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। देन उसके बाद में अगर हम बात करें तो दे पोसेसेस ए पोस्ट एनल टेल एंड ए क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इसके पास कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स में है, जिसमें पोस्ट एनल टेल और दूसरा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम भी पाया जाएगा। तो ये सारी फीचर्स जो है ये कॉर्डेटा के अंदर आ जा रहे हैं। अब टेबल 4.1 को हम देख रहे हैं और इसको हम कंपेयर करेंगे कि कॉर्डेटा के अंदर क्या चीज पाया जा रहा है और नॉन कॉर्डेटा के अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स थे। तो जैसे कि हम बात करते हैं कॉर्डेट्स की, तो कॉर्डेट्स में जो नोटोकार्ड है वो प्रेजेंट है, लेकिन ये नॉन कॉर्डेट्स में ये एब्सेंट होगा, नोटोकार्ड एब्सेंट होगा। देन दूसरे कैरेक्टर की अगर हम बात करते हैं तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डॉर्सल हॉलो और सिंगल इसमें होगा, और इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो ये वेंट्रल साइड में पाया जाता है और ये सॉलिड होता है और इसमें डबल पाई जाती है। देन अगर हम बात करते हैं तीसरे कैरेक्टर की, तो फेरिंग्स जो होती हैं इसमें वो परफॉर्म होती हैं किसके द्वारा, गिल स्लिट्स के द्वारा, और इसमें नॉन कॉर्डेट में गिल स्लिट्स जो होती हैं वो एब्सेंट होती हैं। देन हार्ट की बात अगर हम करते हैं तो कॉर्डेटा में हार्ट जो होता है वो वेंट्रल होता है। देन अगर हम नॉन कॉर्डेटा की बात करते हैं तो नॉन कॉर्डेटा में हार्ट जो होता है वो डॉर्सल होता है, अगर प्रेजेंट है तो। अब इसमें हार्ट नहीं भी प्रेजेंट हो सकता है, नॉन कॉर्डेटा में हार्ट प्रेजेंट भी हो सकता है और नहीं भी प्रेजेंट हो सकता है, लेकिन जिसमें प्रेजेंट होता है वो डॉर्सल होता है, कॉर्डेट में ये सारे के सारे में ये प्रेजेंट होगा और वो वेंट्रल होगा। और उसके बाद में एक और फीचर्स इसमें ऐड कर लेते हैं, पोस्ट एनल पार्ट टेल जो होता है वो कॉर्डेट्स में प्रेजेंट होता है और इसमें नॉन कॉर्डेट में पोस्ट एनल टेल जो होता है वो एब्सेंट माना जाता है, माना क्या जाता है, होता ही है। तो ये जो है वो डिफरेंसेस हो गए कंपेरिजन की, अगर हमने बात किया कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा में, तो ये कुछ कंपेरिजन ये हमने देख लिए।
नोटोकार्ड जो होता है कॉर्डेट में प्रेजेंट होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है डॉर्सल होता है, हॉलो होता है, सिंगल होता है, कॉर्डेट में फेरिंग्स जो होते हैं वो गिल्सलिट्स की तरह परफॉर्म होते हैं, हार्ट जो होता है वेंट्रल होता है, और पोस्टर्नल टेल जो होता है प्रेजेंट होता है कॉर्डेटा के अंदर। नॉन कॉर्डेटा की बात हमने किया तो नॉन कॉर्डेटा में नोटोकार्ड एब्सेंट माना जाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होते हैं इज वेंट्रल होते हैं और सॉलिड होते हैं, गिल्सलिट एब्सेंट होते हैं, हार्ट जो होता है अगर प्रेजेंट है तो होता है तो ये डॉर्सल होता है, और पोस्टर्नल टेल जो होता है इसमें एब्सेंट माने जाते हैं। फाइलम कॉर्डेटा इज डिवाइडेड इंटू थ्री सब फाइलम्स, यूरोकॉर्डेटा जिसको हम ट्यूनिकेटा के नाम से जानते हैं, देन सिफेलो कॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। तो कॉर्डेटा को तीन सब फाइलम फाइला में इसको डिवाइड किया गया है, जिसमें सबसे पहला है यूरोकॉर्डेटा, दूसरा है सिफेलो कॉर्डेटा, और तीसरा है वर्टिब्रेटा। तो सब फाइला यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलो कॉर्डेटा आर ऑफन रिफर्ड टू एज ए प्रोटो कॉर्डेट्स। तो जो दो इसमें सब फाइला है, यानी कि अगर हम बात कर रहे हैं यूरोकॉर्डेटा की और सिफेलोकॉर्डेटा की, तो दोनों जो सब फाइला है इसको हम प्रोटोकॉर्डेट्स भी बोल देते हैं। एक तरीके से हम अगर इसको बात करें तो दो दो पार्ट में ही अगर हम इसको डिवाइड कर लें तो कुछ गलत नहीं होगा, एक प्रोटोकॉर्डेट्स और एक वर्टिब्रेट्स। प्रोटोकॉर्डेट्स में फिर यूरोकॉर्डेट्स और सिफेलोकॉर्डेट्स ये दोनों आ जाएंगे। फिगर 4.17 की बात करते हैं हम, एसीडिया, एसीडिया जो ये दिया गया है आपका एंड आर एक्सक्लूसिव मरीन इन यूरोकार्डेटा नोटोकार्ड इज प्रेजेंट। अब हम यूरोकार्डेटा की बात कर रहे हैं तो यूरोकार्डेटा में क्या है कि नोटोकार्ड जो है प्रेजेंट है ओनली इन द लार्वल टेल में, वाइल इन सिफेलोकार्डेट इट एक्सटेंड फ्रॉम हेड टू टेल। लेकिन सिफेलोकार्डेट्स में क्या है, ये हेड से लेकर के टेल रीजन तक ये पाया जा रहा है एंड इट इज परसिस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ। तो यहाँ पे एक डिफरेंस देखने को ये मिला कि यूरोकॉर्डेटा जो है, ये यूरोकॉर्डेटा में नोटोकार्ड जो है केवल लार्वल स्टेज में पाई जा रही है, लेकिन सिफेलोकॉर्डेट में ये पाई जा रही है हेड से लेकर के टेल तक के रीजन में पाई जा रही है, और ये थ्रू आउट द लाइफ ये पाई जाती है। यानी कि अगर एडल्ट की बात करें तो एडल्ट में जाकर के ये एब्सेंट नहीं होती है, लेकिन यूरोकॉर्डेटा में एडल्ट में जाकर के ये एब्सेंट हो जाती है। एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं हम यूरोकॉर्डेटा के, तो यूरोकॉर्डेटा का एग्जाम्पल एसिडिया, देन सल्पा, देन डोलियोलम। अगर हम सिफेलोकार्डेट्स की बात करते हैं तो ब्रेंकियोस्टोमा, जिसको हम एम्फियोक्सस के नाम से जानते हैं और इसको हम लैंसलेट के नाम से भी जानते हैं। तो ब्रेंकियोस्टोमा का दो कॉमन नेम है, एक है एम्फियोक्सस और दूसरा है लैंसलेट। द मेंबर ऑफ सब फाइलम वर्टिब्रा, दूसरा जो सब फाइलम होता है यानी कि दूसरे सब फाइलम की अगर हम बात करते हैं जिसको हम वर्टिब्रेटा के नाम से जानते हैं, वर्टिब्रेटा में जो होते हैं नोटोकार्ड जो होते हैं एम्ब्रियोनिक पीरियड से ही ये पाए जाते हैं। नोटोकार्ड इज रिप्लेस्ड बाय ये कार्टिलेजिनस आर्बोनी वर्टिब्रल कॉलम। बाद में ये नोटोकार्ड जो होते हैं वो वर्टिब्रल कॉलम में ये क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं या रिप्लेस हो जाते हैं। जब ये एडल्ट स्टेज आती है इनकी तो ये वर्टिब्रल कॉलम में ये क्या होते हैं, रिप्लेस हो जाते हैं। दस ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। तो जिसकी वजह से एक ये यहाँ पे लाइन दी गई है कि अगर हम बोलना चाहें ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट, सारे वर्टिब्रेट्स जो होते हैं वो कॉर्डेट होते हैं, लेकिन सारे कॉर्डेट्स जो होते हैं वो वर्टिब्रेट्स नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें वर्टिब्रल कॉलम्स जो पाए जाते हैं इसमें सारे के सारे जो वर्टिब्रेटा होते हैं उसमें सारे में नोटोकार्ड तो पाए जाते हैं, लेकिन जो वर्टिब्रल कॉलम की अगर हम बात करते हैं तो सारे कॉर्डेट में ये नहीं पाए जाते हैं। तो इसी वजह से ये बोल रहा है कि वर्टिब्रेट्स और कॉर्डेट्स, वर्टिब्रेट्स जो होते हैं वो कॉर्डेट होते हैं, लेकिन सारे कॉर्डेट्स जो होते हैं वो वर्टिब्रेट्स नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें कुछ यूरोकॉर्डेटा और उसके बाद में उसके पहले हमने बात किया सिफेलोकॉर्डेट्स भी ये प्रेजेंट होते हैं। तो इसकी वजह से ये टर्म दिया गया। देन बिसाइड द बेसिक कॉर्डेट कैरेक्टर वर्टिब्रेट्स हैव ए वेंट्रल मस्कुलर हार्ट विद टू थ्री आर फोर चैम्बर। तो ये बेसिक जो कैरेक्टर है इसका, इसको अगर छोड़ भी दिया जाए तो वर्टिब्रेटा ग्रुप में जो होते हैं वो वेंट्रल मस्कुलर हार्ट जो होती है वो किसी किसी में दो चैम्बर्ड होती है, किसी किसी में तीन चैम्बर हार्ट पाई जाती है, और किसी किसी में चार चैम्बर की हार्ट भी पाई जाती है। किडनी जो होती है इसके पास एक्सक्रीशन के लिए होती है और ऑस्मोरेगुलेशन के लिए ये होती है। और इसके बाद की अगर बात करते हैं हम तो इसमें पेयर्ड अपेंडेजेस पाए जाते हैं जो कि क्या क्या काम करते हैं, जैसे कि हम बात करें फिन्स की या लिम्स की बात करते हैं तो ये अपेंडेजेस में आ जाते हैं। तो ये सब सारे कैरेक्टर्स भी जो हैं वो किसमें,
जिसके अंदर वर्टिब्रल कॉलम पाया जा रहा है, यानी कि वर्टिब्रेटा ग्रुप में, सब फाइलम वर्टिब्रेटा में ये सारे कैरेक्टर्स जो होते हैं अलग से ये पाए जा रहे हैं, जो कि ये यूरोकार्डेट और सिफेलोकार्डेट दोनों में नहीं पाए जाते हैं। तो हम यहाँ पे सब फाइलम वर्टिब्रेटा इज फर्दर डिवाइडेड एज, जैसे वर्टिब्रेटा की अगर हम बात करते हैं तो फिर वर्टिब्रेटा को भी बाद में जाकर के कई सारे पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया गया है। तो वर्टिब्रेटा को हम अगर हम डिवीजन मान लेते हैं तो वर्टिब्रेटा को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है एग्नेथा और दूसरा होता है नेथोस्टोमेटा। अब एग्नेथा में क्या आता है, एग्नेथा में लैक जॉ, तो इसमें जॉलेस एनिमल्स आते हैं जिनके पास जॉ यानी कि जिसके पास जबड़ा नहीं पाया जाता है। और इसमें जो होते हैं नेथोस्टोमेटा में बियर्स जॉ यानी कि इसमें जॉ जो होती है वो प्रेजेंट होती है, यानी कि जबड़े जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो अगर हम बात करते हैं एग्नेथा की, तो एग्नेथा जिसके पास जबड़े नहीं पाए जाते यानी कि जॉलेस एनिमल्स होते हैं वो क्लास साइक्लोस्टोमेटा, साइक्लोस्टोमेटा इसमें आ जाता है। देन अगर हम बात करते हैं नेथोस्टोमेटा की, तो नेथोस्टोमेटा को भी दो सुपर क्लास में इसको डिवाइड कर दिया गया है, एक होता है पाइसेस और दूसरा होता है टेट्रापोडा। अब पाइसेस को भी कई सारे क्लास में डिवाइड किया गया है, जैसे पाइसेस जिसके पास फिन्स पाए जा रहे हैं उनको पाइसेस बोल दिया गया, और जिनके पास लिम्स पाए जा रहे थे उनको हम टेट्रापोड बोल दिए। अब फिन्स में भी जिनके पास फिन्स पाए जा रहे हैं उनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक है कॉन्ड्रिकिथीस और एक है ऑस्ट्रिकिथीस। देन अगर हम बात करते हैं जिनके पास लिम्स पाए जा रहे हैं जिनको हम टेट्रापोडा में रखे हुए हैं, तो वो चार क्लास में डिवाइड हुआ, एक हुआ एम्फीबिया, दूसरा हुआ रेप्टाइल्स, तीसरा हुआ एप्स और चौथा हुआ मैमल। इस तरीके से हम डिफरेंट डिफरेंट क्लास को पढ़ने वाले हैं, यानी कि हम क्लास पढ़ेंगे साइक्लोस्टोमेटा, देन हम पढ़ेंगे कॉन्ट्रिकिथीज, देन ऑस्टिकिथीज, देन एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स और मैमल के बारे में हम पढ़ने वाले हैं एक एक करके। तो यहाँ पे एक बार हम इसको फिर से रिवाइज करते हैं, वर्टिब्रेटा दो डिवीजन इसका हुआ, एग्नेथा और गनेथोस्टोमेटा, जिनके पास जॉ पाई जा रही थी वो था गनेथोस्टोमेटा, जिनके पास जॉ नहीं पाई जा रही थी वो था एग्नेथा। फिर एग्नेथा को के पास एक क्लास आया जिसको हम बोलते हैं साइक्लोस्टोमेटा। फिर नेथोस्टोमेटा जिसके पास जॉ पाई जा रही थी उसको दो सुपर क्लास में डिवाइड किया, एक पाइसेस जिसके पास फिन्स पाए जा रहे थे उसको दो क्लास में डिवाइड किया कॉन्ट्रिकिथीज और ऑस्टिकिथीज में, और दूसरा सब सुपर क्लास जो था वो था टेट्रापोडा जिसके पास लिम्स पाए जा रहे थे। अब जिसके पास लिम्स पाए जा रहे थे उसको चार क्लास में डिवाइड कर दिया, एक है एम्फीबिया, दूसरा रेप्टिलिया, तीसरा एप्स और चौथा मैमल। तो अब हम एक एक करके एक एक क्लास को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे क्लास साइक्लोस्टोमेटा के बारे में। तो साइक्लोस्टोमेटा के बारे में हम देख लेते हैं कि साइक्लोस्टोमेटास क्या होते हैं। अब साइक्लोस्टोमेटा की अगर हम बात करते हैं तो ऑल लिविंग मेंबर्स ऑफ द क्लास साइक्लोस्टोमेटा आर एक्टोपैरासाइट ऑन द सम फिशेस। तो सारे मेंबर्स जो होते हैं साइक्लोस्टोमेटा के वो कैसे होते हैं, एक्टोपैरासाइट्स होते हैं कुछ फिशेस के ऊपर, यानी कि ये फिश के ऊपर जो होते हैं पैरासाइट की तरीके से ये रहने का काम करते हैं। दे हैव एन इलोंगेटेड बॉडी बेयरिंग 6 to 15 पेयर ऑफ गिल्सलिट्स। इनके पास जो होती है एक इलोंगेटेड बॉडी होती है जो कि 6 से लेकर 15 पेयर यानी कि 6 to 15 पेयर जो होती हैं गिल्सलिट्स की पाई जाती हैं, जो कि ये रेस्पिरेशन का काम करती हैं। साइक्लोस्टोमेटा हैव ए सकिंग एंड सर्कुलर माउथ विदाउट जॉस। तो जैसा कि हमने बात किया जो साइक्लोस्टोमेटास होते हैं वो जॉ लेस एनिमल होते हैं, यानी कि इसके अंदर कोई भी जॉ नहीं पाई जाएगी यानी कि इनके पास जबड़ा नहीं पाया जाएगा। तो इनके पास क्या होता है, जबड़ा ना होने की वजह से सकिंग एंड सर्कुलर माउथ जो होती है वो पाई जाती है विदाउट जॉस, जॉ लेस सकिंग और सर्कुलर माउथ जो होती है पाई जाती है। देयर बॉडी जो होती है डिवाइड ऑफ स्केल्स एंड पेयर्ड फिन्स। जो इनकी बॉडी होती है उसके ऊपर क्या होते हैं, स्केल्स पाए जाते हैं और एक पेयर फिन इसमें पाई जाती है। क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम्स आर कार्टिलेजनस। इसके अंदर जो क्रेनियम होती है और वर्टिब्रल कॉलम्स होती है वो कार्टिलेजनस टाइप की होती है। सर्कुलेशन जो होता है वो क्लोज टाइप का होता है। जैसा कि हमने बताया कि जो कॉर्डेट्स के ग्रुप्स वाले मेंबर्स हैं उसमें सर्कुलेशन जो होगा वो क्लोज टाइप का पाया जाएगा। साइक्लोस्टोमेटा आर मरीन। साइक्लोस्टोमेटास जो होती हैं जनरली मरीन ही होती हैं, बट माइग्रेट फॉर स्विपिंग टू फ्रेश वाटर। लेकिन ये कुछ कुछ जो होती है स्विम करके फ्रेश वाटर में भी जा सकती हैं। आफ्टर स्विपिंग विद इन ए फ्यू डेज दे डाई। तो अगर ये फ्रेश वाटर में स्विप करके चली भी जा रही हैं तो वहाँ जाने के बाद ये जिंदा नहीं रह पाती हैं, इनकी डेथ हो जाती है। देयर लार्वी आफ्टर मेटामॉर्फोसिस रिटर्न्स टू द ओशियन। और इनके इनके जो यंग वंस होते हैं
वो क्या करते हैं, जो इनके लार्वास जो ये प्रोड्यूस करते हैं वो फिर मेटामॉर्फोस करके और वो ओशियन में रिटर्न आ जाते हैं, यानी कि मरीन वाटर में ये रिटर्न आ जाते हैं। इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो पेट्रोमाइजॉन, जिसको हम लैम्प्रे के नाम से जानते हैं, और दूसरा होता है इसका एग्जाम्पल मिक्सिन, जिसको हम हैग फिश के नाम से जानते हैं। तो ये दो कॉमन एग्जाम्पल इसके हैं, जो कि है पेट्रोमाइजॉन जिसको लैम्प्रे के नाम से जानते हैं और मिक्सिन जिसको हैग फिश के नाम से जानते हैं। देन अब हम चलेंगे दूसरे क्लास की तरफ बढ़ेंगे। दूसरा क्लास जो है वो है क्या है, क्लास कॉन्ड्रिकिथीस। अब क्लास कॉन्ड्रिकिथीस की बात करते हैं तो दे आर मरीन एनिमल्स, जनरली ये मरीन ही होते हैं, विथ स्ट्रीम लाइन बॉडी। इसके पास क्या होती है, एक स्ट्रीम लाइन बॉडी होती है, यानी कि एक सीधी बॉडी इसके पास ये पाई जाएगी। तो इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात बात की कि सबसे पहले पेट्रोमाइजन को हम देख लेते हैं कि ये जॉलेस वर्टिब्रेट्स, जिसको हम पेट्रोमाइजन के नाम से जानते हैं, इसके पास जॉ नहीं होती है, दो पेयर फिन्स होते हैं और उसके ऊपर कई बहुत सारे स्केल्स जो होते हैं पाए जाते हैं। जब हम बात कर रहे हैं क्लास कॉन्ड्रिकिथीस के बारे में, तो जनरली ये मरीन एनिमल्स होते हैं, स्ट्रीम लाइन बॉडी पाई जाती है और कार्टिलेजनस एंडोस्केलेटन की ये बनी होती है। माउथ जो होती है वो लोकेटेड होती है वेंट्रली, नोटोकार्ड जो होता है वो परसिस्टेंट होता है। माउथ लोकेटेड वेंट्रली, वेंट्रली नोटोकार्ड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ। नोटोकार्ड इसमें जो होती है वो पूरी लाइफ इसमें ये नोटोकार्ड पाई जाती है। गिल स्लिट्स जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं इसमें और विदाउट ऑपरकुलम, यानी कि गिल के ऊपर कोई भी टाइप की कवरिंग जो होती है वो नहीं पाई जाती है। कवरिंग को हम ओपरकुलम के नाम से जानते हैं, तो इसमें ओपरकुलम जो होती है वो नहीं पाई जाती है। स्किन की बात करते हैं तो स्किन जो होती है वो टफ होती है, यानी कि इसको हम जब टच करेंगे तो इसकी स्किन टफ टफ मतलब सो होगी। कंटेनिंग माइनूट प्लेकोइड स्केल्स, और इसमें बहुत ढेर सारे माइनूट माइनूट टाइप के प्लेकोइड स्केल्स पाए जाते हैं। अब स्केल्स भी कई टाइप के होते हैं, जिसमें से एक टाइप होता है प्लेकोइड स्केल का। टीथ जो होती हैं मॉडिफाइड होती हैं प्लेकोइड स्केल्स में, विच आर बैकवर्डली डायरेक्टेड, जो कि बैकवर्ड डायरेक्शन में ये मुड़ी हुई होती हैं। देयर जॉज आर वेरी पावरफुल, इनके जॉज जो होते हैं वो बहुत ही पावरफुल तरीके से पाए जाते हैं। दीज एनिमल्स आर प्रेडेसियस, ऐसे एनिमल्स जो होते हैं वो प्रेडेसियस एनिमल होते हैं, यानी कि ये शिकारी एनिमल होते हैं, ये शिकार करते हैं, यानी कि दूसरे जो छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं उनको ये क्या करते हैं, उनका उनका प्रेडेशन करके अपने फूड के रिक्वायरमेंट को ये पूरा करते हैं। ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एयर ब्लेडर दे हैव टू स्विम कॉन्स्टेंटली टू अवॉइड सिंकिंग। तो इनके पास जो होती है एयर ब्लेडर एबसेंट होने की वजह से क्या करते हैं, ये कॉन्स्टेंटली स्विम करते हैं ताकि इनकी बॉडी जो है सिंक ना कर सके, यानी कि एयर ब्लेडर तो इनके पास पाया नहीं जाता है, तो जिसकी वजह से ये क्या होते हैं कि इनको हमेशा तैरते रहना पड़ता है ताकि इनकी बॉडी सिंक ना कर जाए। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं इसके। एग्जाम्पल में ये पहला वाला स्ट्रक्चर जो है वो स्पोलियोडॉन है और दूसरा वाला इसका एग्जाम्पल जो है पेट्रिसिस, जो कि कार्टिलेजनस फिश का ये एग्जाम्पल माना जा रहा है। और भी कैरेक्टर हम देख लेते हैं। हार्ट जो होती है इसकी, टू चैम्बर्स हार्ट होती है, एक ऑरिकिल पाया जाता है और एक ही वेंट्रिकल पाया जाता है, यानी कि एक एक ऑरिकिल और एक वेंट्रिकल। सम ऑफ देम हैव इलेक्ट्रिकल ऑर्गन्स, कुछ जो होती हैं कुछ इसकी जो जो मेंबर्स होती हैं, जैसे कि हम टॉर्पीडो की बात करते हैं, टॉर्पीडो जो होता है वो इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स इसके अंदर पाई जाती हैं, और कुछ कुछ जो होते हैं उनके पास पॉइजनस स्टिंग पाई जाती हैं, जिसको हम ट्राइगोन के नाम से जानते हैं। तो दो दो इसके अंदर दो मेंबर ऐसे हैं, एक है टॉर्पीडो जो कि इलेक्ट्रिक ऑर्गन उसके पास होता है, और दूसरा है ट्राइगॉन जो कि इसके पास पॉइजनस स्टिंग होती है। दे आर कोल्ड ब्लडेड पाइक्लोथर्मस एनिमल्स, ये जो होते हैं कोल्ड ब्लडेड होते हैं, जिसको हम पाइक्लोथर्मस एनिमल्स भी बोल सकते हैं। दैट इज दे लैक द कैपेसिटी टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर, इनके पास जो अपने बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने की कैपेसिटी नहीं होती है, यानी कि ये सेम टेम्परेचर ये अपने बॉडी का मेंटेन किए रहते हैं। सक्सेस आर सेपरेट, सक्सेस इसमें कैसे होते हैं, सेपरेट होते हैं, यानी कि मेल और फीमेल दोनों अलग अलग होंगे। इन मेल्स, मेल्स पेल्विक फिन्स जो होगा वो बियर्स क्लैस्पर्स, दे हैव इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इनके पास कैसा फर्टिलाइजेशन होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। और मेनी ऑफ देम आर बेबी पैरस, और इसमें से बहुत सारे जो ऐसे होते हैं वो बेबी पैरस टाइप के एनिमल होते हैं। बेबी पैरस कहने का मतलब ये है ये बच्चे देने वाले एनिमल्स होते हैं। एग्जाम्पल्स, जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो स्कोलियोडॉन, जिसको हम डॉग फिश के नाम से जानते हैं, डॉग फिश। दूसरा है पेट्रिसिस, जिसको हम सॉ फिश के नाम से जानते हैं, तो कॉमन नेम होता है सॉ फिश। देन कुछ और एग्जाम्पल्स भी इसके हैं।
कार्केरोडॉन जिसको हम ग्रेट व्हाइट शार्क के नाम से जानते हैं, और ट्राइगोन जिसको हम स्टिंग रेस के नाम से जानते हैं। देन उसके बाद में अगर हम बात कर रहे हैं अगले क्लास की बात करें तो अगला क्लास देख लेते हैं हम। अगला क्लास कौन सा आ जाता है? अगला क्लास आ जाता है ऑस्ट्रिकिथीस। अब ऑस्ट्रिकिथीस के कैरेक्टर्स की अगर हम बात करेंगे तो ऑस्ट्रिकिथीस में इट इंक्लूड्स बोथ मरीन एंड फ्रेश वाटर। इसमें दोनों टाइप के एनिमल्स आ जाते हैं, जैसे हम बात कर रहे हैं कि मरीन वाटर और फ्रेश वाटर दोनों टाइप के एनिमल्स इसमें आ जाएंगे। मरीन एंड फ्रेश वाटर फिशेस विथ बोनी एंडोस्केलेटन। तो इसके पास क्या होगा, ये एक्चुअल में जो फिशेस जो होती हैं, बोनी फिशेस जो होती हैं, वो ऑस्टिकिथीज के अंदर आती हैं, यानी कि मरीन होती है और फ्रेश वाटर दोनों हो सकती हैं, और इसके पास बोनी एंडोस्केलेटन जो होती है वो पाई जाती है। देयर बॉडी इज स्ट्रीमलाइन, इनकी बॉडी भी स्ट्रीमलाइन होती है यानी कि सीध में होती है। माउथ जो होती है मोस्टली मोस्टली टर्मिनल होती है, टर्मिनल साइड में इनके इनकी जो होती है वो माउथ पाई जाती है। दे हैव फोर पेयर्स ऑफ गिल्स, इनके पास चार पेयर जो होती हैं वो गिल्स पाई जाती हैं, जो कि कवर्ड होती हैं ओपरकुलम के द्वारा दोनों साइड से। यानी कि अगर हम इसके पहले के क्लास की बात किए थे, यानी कि हम कॉन्ड्रिकेथीज की बात किए थे, तो कॉन्ड्रिकेथीज में क्या था कि उसमें ओपरकुलम जो था वो एब्सेंट था, लेकिन इसमें ऑस्टिकिथीज में ओपरकुलम जो होता है पाया जाता है, यानी कि गिल्स के ऊपर कवरिंग पाई जाती है। स्किन जो होती है कवर्ड होती है साइक्लॉइड और टेनॉइड इसकी स्केल्स के द्वारा, जैसे मैं हमने बोला कि स्केल्स जो होती हैं वो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की स्केल्स पाई जाती हैं। उसमें स्केल्स जो थी वो प्लेकॉइड स्केल्स थी, इसमें साइक्लॉइड और टेनॉइड स्केल्स जो होती हैं पाई जाती हैं। एयर ब्लेडर जो होती हैं इसमें प्रेजेंट होती हैं, उसमें एब्सेंट थी एयर ब्लेडर, विच रेगुलेट्स बायंसी, जो कि बायंसी को ये रेगुलेट करने का काम करती हैं। हार्ट जो होती है इसमें दो चैम्बर हार्ट पाई जाती है, एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल पाई जाती है, जैसे कि कॉन्ड्रिकेथीज में भी सेम था कि टू चैम्बर हार्ट था जिसमें एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल पाया जा रहा था। दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, ये भी कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, और कोल्ड ब्लडेड एनिमल कहने का मतलब ये है कि अपने बॉडी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाते हैं, इनके बॉडी का टेम्परेचर सेम बना रहता है थ्रू आउट द लाइफ। सेक्सेस जो होती हैं सेपरेट होती हैं, यानी कि मेल और फीमेल दोनों अलग अलग होंगे। फर्टिलाइजेशन जो होगा यूजली कैसा होगा, इंटरनल टाइप का फर्टिलाइजेशन पाया जाएगा। दे आर मोस्टली ओविपेरस, मोस्टली ये कैसी होती हैं, ओविपेरस होती हैं, यानी कि मोस्टली एग लेइंग एनिमल्स होती हैं ये। एंड डेवलपमेंट जो होता है उनका कैसा होता है, डायरेक्ट डेवलपमेंट पाया जाता है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं, जैसे मरीन मरीन एनिमल्स की अगर हम बात करें, इसमें ऑस्ट्रिकिथीज के मेंबर्स की बात करें, तो एक्सोकोइटस जो है इसका एग्जाम्पल होता है, जिसको हम फ्लाइंग फिश के नाम से जानते हैं। देन हिप्पोकैम्पस जिसको हम सी फिश सी हॉर्स के नाम से जानते हैं। देन अगर हम फ्रेश वाटर की बात करें, फ्रेश वाटर एनिमल्स की बात करें, ऑस्टिकिथीज ऑस्ट क्लास ऑस्टिकिथीज के, तो लेबियो जिसको रोहू के नाम से जानते हैं। देन कातला जिसको कातला के नाम से ही जानते हैं। क्लेरिस जिसको हम मांगूर के नाम से जानते हैं। एक्वेरियम जिसको हम एक्वेरियम, कुछ 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 मेंबर्स ऐसी होती हैं जो एक्वेरियम बनाने का भी काम करती है, जैसे हम बेटा जो कि फाइटिंग फाइटिंग फिश के नाम से। देन पेट्रोफिल्लम जिसको हम एंजल फिश के नाम से जानते हैं। तो इसके एग्जाम्पल्स जो है हमने बताया कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स होते हैं और याद रखने वाले एग्जाम्पल्स होते हैं। इसके एग्जाम्पल में जैसे दो यहाँ डायग्राम दिया हुआ है, एक है हिप्पोकैम्पस का एग्जाम्पल। हिप्पोकैम्पस कैसा है, जैसा कि मरीन ये होता है, मरीन हैबिटेट में ये पाया जाता है, मरीन वाटर में पाया जाता है। दूसरा जो है काटला, जिसको काटला के नाम से ही जानते हैं। देन आगे की क्लास के बारे में हम मूव करेंगे और देखेंगे क्लास एम्फीबिया के बारे में। चौथे क्लास पे हम आ चुके हैं, क्लास नंबर फोर एम्फीबिया। एज द नेम इंडिकेट जी आर एम्फीबिया मिस डुअल बायोस मिस लाइफ, यानी कि ये दो तरीके की लाइफ, एम्फीबिया ग्रुप के मेंबर्स जो हैं वो दो तरीके की लाइफ को ये जीते हैं। यानी कि अगर हम बात करें इनके इनमें, तो जैसे कि हम प्लांट किंगडम में पढ़े थे, प्लांट किंगडम में एक ऐसा ग्रुप था, यानी कि हम बात किए थे जब ब्रायोफाइट्स की, तो ब्रायोफाइट्स को एम्फीबिया ऑफ द प्लांट ग्रुप के नाम से जानते थे। तो वैसे ही अगर हम यहाँ पे हम एम्फीबिया क्लास पढ़ रहे, तो अब एम्फीबिया क्या होता है ये भी देख लेते हैं। तो वहां पे प्लांट के अंदर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये थी कि उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए पानी की आवश्यकता होती थी, यानी कि वाटर की नीड होती थी। बिना वाटर के नीड के वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता था, तो वो टेरेस्ट्रियल भी होते थे और क्या होते थे, वाटर बॉडीज में भी वो पाए जाते थे। यानी कि अगर हम बात करें एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों होते थे। तो इस तरीके से ये जो एम्फीबिया ग्रुप होती है ये अपनी डुअल लाइफ शो करती है, यानी कि ये दोनों तरीके के हैबिटेट में, यानी कि एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों जगहों पर ये दोनों हैबिटेट्स में ये पाए जाते हैं।
या ये रह सकते हैं दोनों हैबिटेट में। मोस्ट ऑफ देम हैव टू पेयर्स ऑफ लिम्स। सारे बहुत सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं, मोस्ट ऑफ द एनिमल्स को अगर आप देखते हैं तो दो पेयर्स इसमें लिम्स पाई जाती हैं। बॉडी जो होती है वो डिवाइडेड होती है हेड और ट्रंक में, हेड और ट्रंक में दो पार्ट में बॉडी इसकी डिवाइड हो जाती है। टेल में भी प्रेजेंट इन सम, टेल्स जो होती है कुछ कुछ में प्रेजेंट होती है और कुछ कुछ में एबसेंट मानी जाती है, एबसेंट पाई जाती है। द एम्फीबियन स्किन इज मॉइस्ट विदाउट स्केल्स। इसमें जो होती है इसकी स्किन एम्फीबियन के स्किल्स जो होती है सॉरी स्किन जो होती है वो स्केल्स से एबसेंट होती है, मतलब स्केल्स इसकी बॉडी के ऊपर नहीं पाए जाते हैं। आईज जो होती है उसके उसके पास आईलिड्स पाई जाती हैं। ये टाइफेनम रिप्रेजेंट्स द ईयर और इसमें एक ईयर जैसे स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम टिम्फेनम के नाम से जानते हैं। एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स ओपन इनटू ये कॉमन चैम्बर कॉल्ड क्लोइका। तो इसके इसके पास क्या होता है, एक स्पेशल टाइप का ऑर्गन पाया जाता है जिसको हम क्लोइका का नाम देते हैं। उसमें एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी रिप्रोडक्शन ट्रैक्ट, ये जो होते हैं सारे जो होते हैं एक कॉमन चैम्बर में जाकर के ओपन होते हैं जिसको हम क्लोइका के नाम से जानते हैं। रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें तो रेस्पिरेशन जो होता है गिल्स, लंग्स और थ्रू स्किन, तीनों के द्वारा ये पाए जाते हैं, तीनों के द्वारा ये परफॉर्म कर सकते हैं। यानी कि अगर हम बात करते हैं रेस्पिरेशन की तो ये गिल्स गिल्स से भी रेस्पायर कर सकते हैं, लंग्स से भी रेस्पायर करते हैं और ये अपनी स्किन से भी ये रेस्पायर कर सकते हैं। हार्ट जो होती है वो इसके पास थ्री चैम्बर्ड हार्ट पाई जाती है, टू ऑरिकल और एक वेंट्रिकल पाई जाती है। दीज आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, ये भी जो होते हैं वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। सेक्सेस जो होते हैं इसमें सेपरेट होते हैं, मेल फीमेल अलग अलग होंगे। फर्टिलाइजेशन जो होगा इसमें एक्सटर्नल होगा और ये जो होते हैं ओविपैरस होते हैं यानी कि एग लेइंग एनिमल्स होते हैं। डेवलपमेंट जो इसका होगा वो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट पाया जाएगा। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो दो डायग्राम्स यहाँ पे दिए गए हैं एम्फीबिया के एग्जाम्पल के लिए, एक है सेलेमेंडर का, तो ऊपर वाला स्ट्रक्चर जो है ये है सेलेमेंडर और दूसरा है राना। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स और दिए गए हैं जैसे जिसको हम बोलते हैं बीपो, बीपो को हम टोड के नाम से जानते हैं। राना जिसको हम फ्रॉक के नाम नॉर्मली फ्रॉक के नाम से जानते हैं जो कि कॉमनली दिखाई दे जाता है हमको। हाइला जिसको हम ट्री फ्रॉक के नाम से जानते हैं। देन सेलेमेंडर जिसको हम सेलेमेंडर के नाम से जानते हैं इसको। देन इक्थियोफिस जिसको हम लिम्बलेस एम्फीबिया के नाम से जानते हैं। तो ये इसके कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स हो गए जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल्स रेप्टिलिया ग्रुप के एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, तो हम पहले रेप्टिलिया क्लास को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे कि रेप्टिलिया क्लास में रेप्टिलिया क्लास की खास बात क्या है। द क्लास नेम रिफर्स टू देयर क्रीपिंग और क्राउलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन। तो रेप्टिलिया का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि लैटिन वर्ड से इसका नाम लिया गया था जिसको हम बोलते हैं रेप्लम, रेप्लम या रिपी, जिसको जिसका अर्थ होता है जिसका मतलब होता है क्रीप या क्रेव, यानी कि ऐसे एनिमल्स जो कि क्रीपिंग एनिमल्स होते हैं या क्राउलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन पाया जाता है उनके पास उसको हम रेप्टिलिया नाम दे देते हैं। तो इसकी वजह से ये क्रीपिंग टाइप के एनिमल्स थे या इनका लोकोमोशन जो था वो क्राउलिंग मोड का था, इसकी वजह से ऐसे ऐसे ग्रुप के एनिमल्स को हम रेप्टिलिया का नाम दिए और उन्हीं के बेसिस पे इस क्लास का नाम रेप्टिलिया भी पड़ गया। दे आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल, ये मोस्टली कैसे होते हैं टेरेस्ट्रियल होते हैं, कुछ कुछ जो होते हैं वो एक्वेटिक भी होते हैं। एंड देयर बॉडी जो होती है वो ड्राई होती है और कन्फाइंड स्किन इसकी मानी जाती है। एपिडर्मल स्केल्स आर स्क्यूट जो होते हैं यानी कि स्केल्स जो होती है इसकी बॉडी के ऊपर वो पाई जाती हैं। दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग्स, इसके पास कोई भी एक्सटर्नल ईयर की ओपनिंग नहीं पाई जाती है, यानी कि एयर की अगर हम बात करें तो एयर प्रेजेंट होती है लेकिन ओपनिंग ईयर की ओपनिंग जो होती है वो एब्सेंट होती है। टिम्पैनम रिप्रेजेंट्स एयर, तो इसको हम बोल सकते हैं कि टिम्पैनम जो होती है इसके पास जो टिम्पैनम पाई जाती है वही एयर को रिप्रेजेंट करती है। लिम्स जो होते हैं वन प्रेजेंट आर टू पेयर्स, लिम्स जो होते हैं जब कभी कभी अगर इसके पास लिम्स अगर पाए जाते हैं रेप्टिलिया ग्रुप में तो एक केवल दो पेयर जो होते हैं लिम्स पाए जाते हैं। हार्ट जो होता है यूजली थ्री चैम्बर्ड हार्ट होता है, बट फोर चैम्बर्ड हार्ट जो होती है वो क्रोकोडाइल में पाई जाती है, यानी कि क्रोकोडाइल जो होता है रेप्टिलिया ग्रुप से ही बिलोंग करता है, क्लास रेप्टिलिया से बिलोंग करता है जो कि फोर चैम्बर्ड हार्ट उसमें पाया जाता है। लेकिन अगर हम अदर मेंबर की बात करते हैं तो थ्री चैम्बर्ड हार्ट जो होता है मोस्टली पाया जाता है। रेप्टाइल्स आर पाइक्लोथर्मस, रेप्टाइल्स जो होते हैं पाइक्लोथर्मस होते हैं यानी कि वार्म ब्लडेड होते हैं, ये एनवायरमेंट के हिसाब से अपनी बॉडी का टेम्परेचर चेंज कर लेते हैं। स्नेक्स एंड लिजर्ड्स सेट देयर स्केल्स एज स्किन कास्ट, तो स्नेक्स और लिजर्ड्स जो होते हैं अपनी स्किन्स को क्या करते हैं कास्ट करते रहते हैं यानी कि बदलते रहते हैं, जैसे कि बात करते हैं कि वो अपनी स्किन को छोड़ते रहते हैं।
सेक्सेस जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं इसमें। फर्टिलाइजेशन जो होता है इंटरनल टाइप का फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। ये ओविपेरस टाइप के एनिमल होते हैं यानी कि एग लेइंग एनिमल होते हैं, और डेवलपमेंट इसमें जो होता है वो डायरेक्ट टाइप का डेवलपमेंट पाया जाता है। इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल में चिलियॉन जिसको टर्टल के नाम से जानते हैं, टेस्टूडो जिसको हम टॉर्टोइस के नाम से जानते हैं, कैमलियॉन जिसको हम ट्री लिजर्ड के नाम से जानते हैं, देन केलॉइड्स जिसको हम गार्डन लिजर्ड के नाम से जानते हैं, क्रोकोडाइल्स जिसको हम क्रोकोडाइल के नाम से जानते हैं, एलिगेटर जिसको हम एलिगेटर के ही नाम से जानते हैं, हेमिडेक्टाइलस जिसको हम वॉल लिजर्ड के नाम से जानते हैं। पॉइजनस स्नैक की अगर हम बात करते हैं तो पॉइजनस स्नैक में जैसे कि नाजा कोबरा आ जाता है, कॉमन नेम नाजा का कोबरा होता है। फिर बैंगेरस जिसका कॉमन नेम जो होता है करैत होता है, और तीसरा एग्जाम्पल जिसको इसमें दिया गया वाइपर जिसको हम वाइपर के नाम से जानते हैं, वाइपेरा जिसको हम वाइपर के नाम से जानते हैं। तो ये हो गई बात क्लास रेप्टिलिया के बारे में। देन अगली क्लास हम बात करेंगे क्लास एप्स के बारे में। तो एप्स के बारे में हम देख लेते हैं। तो द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एप्स बर्ड्स आर प्रेजेंट ऑन द फेदर्स एंड मोस्ट ऑफ देम कैन फ्लाई एक्सेप्ट फ्लाइटलेस बर्ड ऑस्ट्रिच। तो एप्स जो होती है एप्स के अंदर बर्ड्स आ जाते हैं, और ये इनके अंदर जो होती है कैरेक्टरिस्टिक ये फीचर ये होती है कि इनके पास फेदर्स जो होते हैं वो पाए जाते हैं, और कुछ कुछ जो होते हैं वो फ्लाई फ्लाई नहीं कर पाते हैं जिसको हम फ्लाइटलेस बर्ड के नाम से जानते हैं, जो कि ऑस्ट्रिच इसके अंदर आ जाता है। दे पॉसेसेस बीक, इनके पास बीक होती है यानी कि चोंच पाई जाती है। द फोरलिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स, फोरलिम्स जो होती है फोरलिम्स इनके आगे वाले जो पैर होते हैं वो मॉडिफाइड हो जाते हैं विंग्स में यानी कि पंख में ये मॉडिफाइड हो जाते हैं। द हाइंड लिम्स जनरली हैव स्केल्स एंड आर मॉडिफाइड फॉर वॉकिंग स्विमिंग आर क्लस्पिंग द ट्री ब्रांचेस। तो हाइंड लिम्स जो होती है जो पीछे के जो पैर्स होते हैं वो क्या होते हैं जनरली मॉडिफाई हो जाते हैं, और वो हेल्प करते हैं किसमें, वॉकिंग में हेल्प करते हैं, स्विमिंग में हेल्प करते हैं, क्लस्पिंग में हेल्प करते हैं, और तो और ट्री ब्रांचेस के ऊपर जो पकड़ने का काम करते हैं वो यही जो हाइंड लिम्स होते हैं वो करते हैं। स्किन जो होती है इसकी ड्राई होती है, और इसमें ग्लैंड्स जो होते हैं वो पाए जाते हैं जो कि ऑयल ग्लैंड्स जो होते हैं पाए जाते हैं, और टेल के बेस पे बेस तक ये होते हैं। एंडोस्केलेटन इज फुल्ली ऑसिफाइड, जो इसकी एंडोस्केलेटन होती है वो पूरी तरीके से ऑसिफाइड होती है यानी कि बोनी होती है, और लॉन्ग बोन्स आर हॉलो विद एयर कैविटीज। जो इसके पास जो लॉन्ग लॉन्ग बोन्स होती है यानी कि छोटी बोन्स को हटा दिया जाए, जो लॉन्ग लॉन्ग बोन होती है वो हॉलो होती है यानी कि खोखली टाइप की बोन पाई जाती है इसके अंदर, और एयर कैविटीज जो होती हैं वो पाई जाती हैं यानी कि न्यूमेटिक बोन्स जो होती हैं इनके पास पाई जाती हैं, जिसकी वजह से इनकी हड्डियां जो होती हैं खोखली होती हैं, और वो हड्डियां खोखली इसलिए होती हैं ताकि इनका इनका जो वेट है वो बहुत ज्यादा ना हो सके, और बहुत ज्यादा वेट अगर हो जाएगा तो ये क्या 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 हो जाएगा उनमें, ये फ्लाई करने में उनको प्रॉब्लम क्रिएट होगा यानी कि उड़ने में उनको दिक्कत आएगी, जिसकी वजह से क्या होगा वो उड़ नहीं पाएंगे। तो उसी की वजह से उनकी बॉडी को लाइट करने के लिए जो उनकी बोन होती है स्पेशल टाइप की बोन होती है जिसको हम न्यूमेटिक बोन बोलते हैं, यानी कि बोन के अंदर एयर कैविटीज जो होंगी पाई जाएगी, और बोन जो होगा वो हॉलो होगा। द डाइजेस्टिव ट्रैक ऑफ बर्ड्स हैज एडिशनल चैम्बर्स, डाइजेस्टिव ट्रैक जो होता है उसमें एक एडिशनल चैम्बर भी पाया जाता है। द क्रॉप एंड गिजर्ड, तो क्रॉप और गिजर्ड पाई जाती है। हार्ट जो होता है कंप्लीटली फोर चैम्बर्ड होता है। दे आर वार्म ब्लडेड यानी कि होमियोथर्मस एनिमल्स होते हैं, ये भी होमियोथर्मस एनिमल्स होते हैं। दैट इज दे आर एबल टू मेंटेन ए कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर, तो ये जो होते हैं वो बॉडी टेम्परेचर को कॉन्स्टेंट किए रहते हैं। सॉरी, हमने इसके पहले के पार्ट में हमने कुछ गलती से कुछ बोला होगा कि जो होमियोथर्मल एनिमल और पॉइक्लोथर्मस एनिमल की हमने बात किया, तो यहाँ पे हम क्लियर करना चाह रहे हैं एक पॉइंट की ये कि जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल की हमने बात किया था कि वो अपने बॉडी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन किए रहते हैं यानी कि पूरी पूरे लाइफ उनकी बॉडी टेम्परेचर मेंटेन मतलब चेंज नहीं होती है, तो वहाँ पे हमने थोड़ा सा गलत बोला कि जो वार्म ब्लडेड एनिमल होते हैं वो होमियोथर्मस एनिमल होते हैं, और जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं वो पाइक्लोथर्मस एनिमल होते हैं। यानी कि वार्म ब्लडेड एनिमल होते जो होते हैं यानी कि होमियोथर्मस एनिमल होते हैं वो अपनी पूरी जो उनकी जो बॉडी होती है वो एक ही टेम्परेचर को मेंटेन किए रहते हैं, लेकिन जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं वो अपनी बॉडी को टेम्परेचर के हिसाब से चेंज कर लेते हैं, यानी कि अगर वो पानी में गए हैं तो उनका टेम्परेचर अलग होगा, वो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में आ रहे हैं तो उनका बॉडी टेम्परेचर अलग होगा।
तो यहाँ पे जो कोल्ड ब्लडेड टाइप के एनिमल है, यानी कि पायरोथर्मस एनिमल, वो अपने बॉडी टेम्परेचर को फ्लक्चुएट कर सकते हैं। वार्म ब्लडेड एनिमल्स जो कि होम्योथर्मस एनिमल होते हैं, वो अपने बॉडी के टेम्परेचर को फ्लक्चुएट नहीं कर सकते हैं। ये रहा कॉन्सेप्ट की बात, तो वहां पे आप सही कर लीजिएगा। अगर वहां पे कुछ कंफ्यूजन हुआ होगा तो उसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। रेस्पिरेशन इज बाई लंग्स, इसमें लंग्स जो होती हैं वो पाई जाती हैं, और लंग्स के द्वारा ही रेस्पिरेशन जो होता है। एयर सैक्स कनेक्टेड टू लंग्स सप्लीमेंट रेस्पिरेशन। एयर सैक्स जो होती हैं उसके अंदर पाई जाती हैं, जो कि कनेक्ट करती हैं लंग्स से, जो कि रेस्पिरेशन में ये हेल्प करती हैं। सेक्सेस जो होती हैं वो सेपरेट पाई जाती हैं, सेक्सेस सेपरेट होती हैं। फर्टिलाइजेशन जो होता है वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। दे आर ओविपेरस, यानी कि एग लेइंग एनिमल्स ही होते हैं। डेवलपमेंट जो होगा इसका इंडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो कॉर्बस, जिसको हम क्रो के नाम से जानते हैं, कॉमन नेम इसका क्रो होता है। कोलंबा, कोलंबा जिसको नाम है पीजन। देन और भी कुछ इसके एग्जाम्पल्स जो है यहाँ पे दिए गए हैं। ये सारे एग्जाम्पल्स जो है वो आ जाते हैं इसके क्लास एप्स के। ये कुछ डायग्राम्स दिए गए हैं जिसमें कुछ बर्ड के डायग्राम दिए गए हैं, जैसे न्यू फिरोन, देन स्टूथियो, देन पिस्टपला एंड पाबू। इसके कुछ जो है वो डायग्राम दिए गए हैं, उसके कुछ नेम्स जो है ये दिए गए हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, ताकि आपको मेमोराइज रहे और एग्जाम में आपको प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। अगर ऐसे एग्जाम्पल्स पूछे जा रहे हैं, उनके कॉमन नेम्स पूछे जा रहे हैं, तो आप आसानी से उसका आंसर कर सके। देन हम लास्ट क्लास के बारे में मूव करेंगे और देखेंगे क्लास मैमिलिया के बारे में। तो मैमिलिया की अगर हम बात करें तो दे आर फाउंड इन ए वेराइटी ऑफ हैबिटेट्स। ये तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वेराइटीज के हैबिटेट में पाए जाते हैं। जैसे हम बात करें पोलर आइस कैप्स की, डिजर्ट्स की, माउंटेन की, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डार्क रेव्स, मतलब अगर हम बात करते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैबिटेट्स में ये मैमिलिया ग्रुप के मेंबर्स जो होते हैं वो पाए जाते हैं। सम ऑफ देम हैव एडाप्टेड टू फ्लाई आर लिव इन वाटर। कुछ जो होते हैं वो एडाप्ट कर लेते हैं अपने आप को फ्लाई करवाने के लिए, और कुछ जो होते हैं अडाप्ट कर लेते हैं वाटर में रहने के लिए। द मोस्ट यूनिक मैमिलियन कैरेक्टरिस्टिक द प्रेजेंस ऑफ द मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स। तो इसको मैमिलिया क्लास इसलिए बोला गया क्योंकि इसके पास इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो क्या थी, मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स, यानी कि मेमरी ग्लैंड्स जो थी वो पाई जा रही थी। इसी मेमरी ग्लैंड्स की वजह से इस क्लास का नाम मेमेलिया पड़ गया। बाय व्हिच व्हिच द यंग वंस आर नरिसेस। ये इसी मेमरी ग्लैंड से ये अपने जो यंग वंस निकल के आते हैं, यानी कि जो इनके बच्चे होते हैं, ये अपने बच्चों को प्रोड्यूस करते हैं, वो उनसे नरिसमेंट लेने का काम करते हैं। दे हैव टू पेयर्स ऑफ लिम्स। इनके पास दो पेयर्स लिम्स जो है वो पाई जा रही हैं। एडाप्टेड, जो कि वॉकिंग के लिए एडाप्टेड होती हैं, चलने के लिए हेल्प करती हैं, रनिंग के लिए हेल्प करती हैं, क्लाइंबिंग के लिए हेल्प करती हैं, बरोइंग के लिए, स्विमिंग के लिए या फ्लाइंग के लिए ये हेल्प करती हैं, जो इनके पास दो पेयर लिम्स जो होती हैं पाई जाती हैं। स्किन की अगर हम बात करते हैं तो स्किन जो होती है वो यूनिक टाइप की होती है, और उसके ऊपर जो स्किन के ऊपर हेयर्स जो होते हैं वो पाए जाते हैं। एक्सटर्नल ईयर्स आर पिन्ना आर प्रेजेंट। इसमें एक्सटर्नल ईयर भी पाया जाता है, जिसको हम ईयर पिन्ना के नाम से जानते हैं। डिफरेंट टाइप टीथ जो होती है वो प्रेजेंट होती है जॉ के अंदर में। हार्ट इज फोर चैम्बर्ड। हार्ट जो होता है इसका फोर चैम्बर हार्ट होता है, यानी कि चार चैम्बर्ड वाले हार्ट पाए जाते हैं इसमें। दे आर होम्योथर्मस। ये जो होते हैं होम्योथर्मस टाइप के एनिमल होते हैं, यानी कि अगर हम बात करें होम्योथर्मस के एनिमल की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे हमने बात किया था होम्योथर्मस एनिमल की, यानी कि ये वार्म ब्लडेड टाइप के एनिमल होते हैं, यानी कि पूरी लाइफ अपने बॉडी का टेम्परेचर को फ्लक्चुएट नहीं कर सकते हैं। रेस्पिरेशन इज बाय लंग्स। रेस्पिरेशन जो होता है वो लंग्स के द्वारा होता है। सेक्सेस जो होते हैं सेपरेट होते हैं, और फर्टिलाइजेशन जो होता है वो इंटरनल टाइप का फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। ये विविपेरस के टाइप के एनिमल होते हैं, यानी कि ये एग लेइंग एनिमल नहीं होते हैं, एग को प्रोड्यूस नहीं करते हैं, ये सीधे सीधे क्या करते हैं, यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि अंडे नहीं देते हैं, ये बच्चे देने का काम करते हैं ये। विथ फ्यू एक्सेप्शंस एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट। और ये विविपेरस एनिमल्स तो होते हैं, लेकिन इसके भी कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, जो कि एग कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो एग लेइंग का काम करते हैं। इसके एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करते हैं तो ओविपेरस के एग्जाम्पल्स, जैसे कि प्लेटिपस जो है एक कॉमन नेम इसका है, ऑर्निथोरैंकस इसका कॉमन नेम है प्लेटिपस, ये जो है ओविपेरस है। विविपेरस की अगर हम बात करते हैं तो मैक्रोपस, जिसको हम कंगारू के नाम से जानते हैं, पेट्रोपस जिसको हम फ्लाइंग फॉक्स के नाम से जानते हैं, केमलस जिसको हम केमल के नाम से जानते हैं, देन मकाका
मकाका जिसको हम मंकी के नाम से जानते हैं, रेटस जिसको रैट के नाम से जानते हैं, कैनिस जिसको डॉग के नाम से, फेलिस जिसको कैट के नाम से, एलिफस जिसको एलिफेंट के नाम से, इक्वस जिसको हॉर्स के नाम से, फिर डेल्फिनस जिसको हम कॉमन डॉल्फिन के नाम से जानते हैं, और कुछ और भी एग्जाम्पल्स इसके हैं जो कि विविपेरस टाइप के एनिमल्स ये होते हैं। तो ये हो गई बात क्लास मैमेलिया के बारे में। अब हमारे पास क्या आता है, हमारे पास एक कंपेरेटिव स्टडी की टेबल है हमारे पास, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। यानी कि अगर हम बात करें एनिमल किंगडम का, तो पूरे एनिमल किंगडम को ये एक टेबल पूरा समरी इसका बना सकता है। और अगर हम इस टेबल को पूरी तरीके से अगर हम लर्न कर लें, तो हम सारे जो एनिमल किंगडम के सारे जो फाइलम्स हैं उसको हम पूरी तरीके से कंप्लीटली क्या कर सकते हैं, उसको हम समझ सकते हैं अच्छे से। तो यहाँ पे हम छोटे छोटे पार्ट्स को अगर हम डिस्कस करना चाहें, तो जब सबसे पहले हम बात कर रहे हैं पोरीफेरा की, तो पोरीफेरा सबसे पहले हमने बात किया पोरीफेरा के बारे में। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पोरीफेरा में सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था। इसमें सिमेट्री जो थी वेरियस टाइप की सिमेट्री पाई जा रही थी, यानी कि इसमें रेडियल सिमेट्री और बाइलेटरल सिमेट्री और एसिमेट्री, तीनों टाइप की सिमेट्री पाई जा रही थी। सीलोम्स जो थे एबसेंट थे, सेगमेंटेशन एबसेंट था, डाइजेस्टिव सिस्टम एबसेंट थी, सर्कुलेटरी सिस्टम एबसेंट था, रेस्पिरेटरी सिस्टम एबसेंट था। डिस्टिंक्टिव फीचर्स इसका क्या था कि बॉडी जो थी उसमें बहुत सारे पोर्स पाए जा रहे थे, और जो वाटर जो कैनाल्स जो थे उस उसमें ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो थे इसमें पाए जा रहे थे। देन हमने बात किया निडेरिया की, यानी कि सिलेंट्रेटा की, तो उसमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था, रेडियल सिमेट्री थी, सीलोम एबसेंट था, सेगमेंटेशन एबसेंट था, इनकम्प्लीट डाइजेशन था, सर्कुलेटरी सिस्टम एबसेंट था, रेस्पिरेटरी सिस्टम एबसेंट था, और डिस्टिंक्टिव फीचर इसमें ये थी कि नेडोब्लास्ट सेल्स जो थी वो पाई जा रही थी। टीनोफोरा में भी वही चीज था, टीनोफोरा और सिलेंट्रेटा लगभग लगभग मैच कर रहा है, बस इसमें डिफरेंस ये था कि टीनोफोरा में कॉम प्लेट्स जो थी वो पाई जा रही थी, यानी कि आठ जो थी कॉम प्लेट्स जो थी इसमें पाई जा रही थी, और ये ल्यूमिनेसेंस भी ये शो करते थे टीनोफोरा। देन हम बात करते हैं प्लेटियल मेंथीज की, तो इसमें थोड़ा सा इसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बढ़ा और ये ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसमें आ गया, और इसमें सिमेट्री जो थी बाइलेटरल सिमेट्री हो गई। देन उसके बाद में सारी की सारी चीज वही शो कर रही है जो कि और सिस्टम शो कर रही थी, बस इसमें इसका करेक्टरिस्टिक फीचर ये था कि इसकी बॉडी फ्लैट थी, जिसकी वजह से इसका नाम प्लेटी हेलमेंथीज पड़ा, और इसमें सकर्स भी पाए जा रहे थे। एस्कल हेलमेंथीज की बात करें तो प्लेटी हेलमेंथीज और एस्कल हेलमेंथीज में बहुत सारी सिमिलरिटीज थी, बस थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे आ जा रहा था कि इसमें जो सीलोम था प्लेटी हेलमेंथीज में वो एबसेंट था, लेकिन एस्कल हेलमेंथीज में स्यूडो सीलोम ये पाया जा रहा था। और इसके अगर हम बात करें डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम था, और इसमें क्या था कि ये जो थे एस्कल हेलमेंथीज थे वार्म लाइक स्ट्रक्चर्स जो थे एनिमल्स के वो थे, और इनकी बॉडी जो थी इलोंगेटेड थी। देन उसके बाद में आया एनिलिडा। अब एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकोनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कार्डेटा, इसमें सारे जो फाइलम्स थे इसमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था, बाइलेटरल सिमेट्री थी, बस इकोनोडर्मेटा को छोड़ करके इकोनोडर्मेटा में रेडियल और बाइलेटरल सिमेट्री दोनों पाई जा रही थी। इकोनोडर्मेटा में रेडियल सिमेट्री जो थी लार्वल स्टेज में जो थी वो रेडियल सिमेट्री पाई जा रही थी, और जब ये एडल्ट हो जा रहा था तो इसमें बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। देन उसके बाद में ये सारे के सारे, यानी कि एनिलिडस एनिलिडा से लेकर के कॉर्डेटा तक की अगर हम बात करें, तो जो इसमें सीलोम था वो सीलोमेट्स टाइप के एनिमल्स थे। इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम्स की अगर हम बात करते हैं, सेगमेंटेशन की बात कर रहे हैं, तो एनिलिडा में प्रेजेंट था, आर्थोपोडा में भी प्रेजेंट था, मोलस्का में एबसेंट थे ये। देन इकोनोडर्मेटा और हेमिकार्डेटा में भी ये तीनों में एबसेंट थे, देन कॉर्डेटा में फिर से जाकर के ये प्रेजेंट हो गए। डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम बात कर रहे हैं, तो एनिलिडा में कंप्लीट 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 कंप्लीट, यानी कि एनिलिडा से लेकर के कॉर्डेटा तक सारे के सारे कंप्लीट थे। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें, तो सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम सारे के सारे प्रेजेंट थे, बस रेस्पिरेटरी सिस्टम जो था एनिलिडा का वो एब्सेंट था, ये सरफेस से, बॉडी के सरफेस से ये रेस्पायर करते थे। देन एनिलिडा की कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये थी कि बॉडी जो थी सेगमेंटेड थी, और उनकी बॉडी जो थी रिंग रिंग में अरेंज थी। आर्थोपोडा जो था उनके पास जॉइंटेड अपेंडिजेस पाए जा रहे थे, जिसका जिसकी वजह से उनका नाम आर्थोपोडा पड़ा। मोलस्का का कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये था कि इसके पास एक्सटर्नल एस्केलेटन जो थी वो सेल्स जो थी वो बॉडी के ऊपर जो थी वो पाई जा रही थी। देन इकोनोडर्मेटा की बॉडी के ऊपर जो थी वो क्या थी, जो स्पाइंस थे वो पाए जाते थे, और इसमें वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो था वो पाया जा रहा था। हेमिकॉर्डेटा की अगर हम बात करते हैं, तो इसकी बॉडी जो थी तीन पार्ट में डिवाइड थी, जिसको हम बोलते हैं प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक, और ये वार्म लाइक एनिमल थे। कॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड और गिल स्लिट्स जो थी वो पाई जा रही थी। ये हो गई इसकी पूरी की पूरी समरी। अगर आप इसकी समरी को पूरी तरीके से अच्छे से याद कर लेते हैं, तो पूरा का पूरा एनिमल किंगडम आपके टिप पे रटा हुआ होगा।
तो आई थिंक हम पूरा का पूरा एनिमल किंगडम यहाँ पे फिनिश कर चुके हैं। तो आई थिंक पूरा एनिमल किंगडम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, और अगले पार्ट में हम नेक्स्ट चैप्टर को टारगेट करेंगे। और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाई केएसके सर। थैंक यू सो मच।